और इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज एजेंट इंडिया पर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है न्यूज एजेंट इंडिया पर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, ये बड़ी खबर आपको बता दे। देखिए बड़ी जानकारी सामने आ गई है, इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को यह झटका दिया है, कहा कि मेरा कोई भी प्रस्ताव नहीं माना गया और बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मेरा प्रस्ताव नहीं माना गया इसलिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, जो प्रस्ताव दिया वो सभी ठुकरा दिए गए। कांग्रेस और लेफ्ट पर ममता बनर्जी भड़की हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी उनकी तरफ से बात कही गई थी कि जब बैठक में कोई बात वो रखती हैं तो उनके प्रस्ताव को नहीं माना जाता। और इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी भी किस तरीके से ममता बनर्जी पर और बंगाल की शासन प्रशासन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। ऐसे में इंडी गठबंधन को ये बहुत बड़ा झटका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि अकेले ही वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि प्रस्ताव उन्होंने रखे, कोई भी प्रस्ताव उनका माना नहीं गया। ये नाराजगी है उनकी और यही वजह है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, प्रस्ताव नहीं माना गया इसलिए अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो प्रस्ताव दिया वो सभी ठुकरा दिए गए। और बंगला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जो मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। तो देखिए ये बयान आपने सुना और ममता बनर्जी ने ये बयान देकर कल ही साफ कर दिया था कि वो कहती हैं कि रीजनल पार्टी पर भरोसा जताया जाए क्योंकि वही पार्टी मजबूत स्थिति में है और इसी से आप लोकसभा चुनाव जीतेगा। लेकिन लगातार जब भी मीटिंग होती थी इंडी गठबंधन की जब भी मीटिंग होती थी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको डिसरिस्पेक्ट यानी उनका असम्मान किया जाता था। और न्यूज एजेंट इंडिया की हमारी सहयोगी आशिका इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, ममता बनर्जी ने हिंट तो पहले ही दे दिया था कि उनकी बात नहीं मानी जाती, उनका सम्मान नहीं किया जाता और अब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है। बिल्कुल, बड़ा ऐलान है ये ममता बनर्जी का, साफ कर दिया है कि बंगाल में अकेला चलो की नीति पर ही टीएमसी चलेगी। उन्होंने साफ कहा राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में आ रही है, लेकिन इंडी गठबंधन में होने के बावजूद टीएमसी को ममता बनर्जी को कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ममता ने साफ कहा है कि हमने शुरू में ही उनको प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अब हमने मन बना लिया है कि हम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो 2 सीटें देने को तैयार थी ममता बनर्जी कांग्रेस को राज्य में, जो कि उनके पास पहले से थी वही 2 सीटें, लेकिन कांग्रेस इस पर मंजूर नहीं था। कांग्रेस को ये, कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे, अधीर रंजन चौधरी के बयान आ रहे थे कि इसे लेकर के वो खुश नहीं है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले ही टीएमसी चुनाव लड़ेगी, चुनाव मैदान में उतरेगी। और बंगाल में एक बार चलो की नीति पर चलती हुई टीएमसी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से आलोचना की गई, 10 से 12 सीटें कांग्रेस की ओर से मांगी गई थी टीएमसी की ओर से, ऐसे में इंडी अलायंस जो है इसमें आप टीएमसी का रोल अब कैसे देख रही है? देखिए, ममता बनर्जी ने अभी भी ये कहा है कि नेशनल लेवल पर चुनाव में क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन बंगाल में अकेले लड़ेंगे। जो 2 सीटें जो कांग्रेस के पास पहले से थी वही देने को तैयार थी ममता बनर्जी, लेकिन कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सीटें ज्यादा मांग रही थी, जिसे लेकर के अभिषेक बनर्जी भी पहले ट्वीट कर चुके हैं कि असम में छोटे से चुनाव में जो है कांग्रेस का वोट परसेंटेज टीएमसी से कम रहता है, ऐसे में वो बंगाल में कैसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, इसे लेकर के नाराजगी ममता बनर्जी ने भी आज
दिखाई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो ये रैली है वो पश्चिम बंगाल में आ रही है, लेकिन इसके बारे में उनको कोई सूचना दी नहीं जाती है, जबकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में एकला चोलो की ही नीति पर टीएमसी टिकी रहेगी और सभी जो 42 सीटें हैं उस पर टीएमसी ताल ठोकेगी, और भले ही कांग्रेस उनके सामने हो लेकिन बंगाल में टीएमसी अकेले ही चलेगी। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है इंडी गठबंधन में, बड़ी दरार, क्योंकि ममता बनर्जी वही सबसे बड़ा चेहरा इस गठबंधन का थी, जिन्होंने झटका दिया है, बड़ा झटका कांग्रेस को। और अब तक ममता बनर्जी ने कहा है कि चाहे कुछ भी खबरें चले, इंडिया के हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमिताभ, हम लगातार देख रहे थे ममता बनर्जी जिस तरीके से बयान दे रही थी, नाराजगी उनकी साफ तौर पर झलक रही थी, लेकिन अब इंडी गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं आप? यहाँ पर यह भी बताइए कि ममता के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं और इंडी गठबंधन का भविष्य क्या होगा? लोकसभा चुनाव की लड़ाई क्या ऐसे लड़ी जाएगी अब? बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल की घड़ी है इंडी गठबंधन के लिए, खासकर तब जब राहुल गांधी असम में जद्दोजहद कर रहे हैं और बंगाल में उनकी यात्रा घुसने वाली है। ऐसे में जब ममता बनर्जी ने यह सीधा संकेत दे दिया कि उनकी बातें नहीं सुन रहा है इंडी गठबंधन, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, ये राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके दो पहलू हैं। ममता बनर्जी लगातार पिछले कई महीनों से कह रही थी कि जिस सीट पर लेफ्ट जीती है, जिस सीट पर कांग्रेस जीती है, उतनी सीटें वो उनको देने को तैयार हैं, बाकी उन सीटों पर वो उनको जीत दिलवा देंगी बंगाल में। यानी दो सीट कांग्रेस जीती थी, एक आध सीट अगर लेफ्ट की थी तो वो जीतती, लेकिन बाकी सीटें ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन लड़ने दे ताकि इंडी गठबंधन दिल्ली में मजबूत हो सके। उनका यह कहना था कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, जो जहां मजबूत हो वो अपने हिसाब से, अपने मजबूती के हिसाब से सीटें लड़े। ये बात कांग्रेस को गवारा नहीं थी, उनको लग रहा था कि सारा अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरे भारत का उनकी तरफ, कांग्रेस की तरफ एकजुट होता चला जा रहा है, जो लोकसभा में और ज़्यादा एकजुट होगा। और इसी अल्पसंख्यक वोट बैंक का सबसे बड़ा खतरा बंगाल में ममता बनर्जी की टीम को होता अगर अल्पसंख्यक अगर झुकता कांग्रेस की तरफ। यही खतरा अखिलेश यादव को है, जो कि जिन्होंने कुछ सीटें मांगी थी मध्य प्रदेश में, और कमल ने कहा था अखिलेश की बातें छोड़ो। तो यूपी में भी मुश्किल, बंगाल में भी मुश्किल। बीजू जनता दल पहले ही कह चुका है वो न्यूट्रल है। अगर केसीआर की बात करें वो अलग हो चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी उनके साथ नहीं है। अगर उसके बाद अगर बिहार में ही है तो नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर और बिहार में जो मारामारी चल रही है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि अब इंटी गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते वो मैराथन दौड़ नहीं पाया, मुझे लगता है वो T20 भी नहीं खेल पाएगा। ठीक है अमिताभ, दोबारा से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने क्या कहा, उनकी तरफ से क्या नाराजगी जाहिर की गई, जरा दर्शकों को पहले ये सुनवाते हैं। हम इंडिया डाला है तो हमको एक बार जानी चाहिए दीदी, अपना राज्य जाना जा रहे हैं सूतरा আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে অল ইন্ডিয়া কি করব না করব আপনার ইলেকশন ভাবো আমরা সেকুলার পার্টি আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করব কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই মিথ্যে কথা অ্যাবসলুটলি রং মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে অ্যাবসলুটলি রং কোনো কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে এটা রং আর একটা কথা বলে দেয় কাজে চেপিনি অনেকে পলিটিক্স করছে। तो ममता बनर्जी साफ तौर पर नाराज हैं, प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया था, प्रस्ताव नहीं माना गया और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव हमने दिए वो सभी ठुकरा दिए गए, अब हम अकेले यहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लगातार अमिताभ हमारे साथ बने, उनका रुख करते हैं। अमिताभ, ये भविष्य क्या होगा ये तो बड़ा सवाल है ही, अब बीजेपी इस पर और निशाना साधेगी क्योंकि वो पहले से ही कहती आई है कि ये दल यहां पर एक साथ जरूर मिल गए, किसी के दिल नहीं मिल रहे, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और ऐसे ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए बीजेपी के लिए तो ये खुशखबरी है ही, अगर ममता अकेले लड़ रही है, ममता सेक्युलर गठबंधन की बात कर रही है, ममता कह रही है वो सेक्युलर दल होने के नाते सेक्युलर ताकतों की जीत दिलाने के लिए बीजेपी से लड़ेंगी, यानी वो कांग्रेस को मानती नहीं कि वो सेक्युलर ताकत हैं या फिर सेक्युलर गठबंधन को कांग्रेस एकजुट करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस के ऊपर जो ममता ने अभी लगाया है। दूसरा, वो अकेले लड़ेंगी, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और उन छत्रपों के लिए, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे केरल के हों, चाहे वाम दल के साथ केरल में भी गठबंधन मुश्किल है, अब बंगाल में भी मुश्किल है। तमिलनाडु में स्टालिन, अगर कांग्रेस अगर स्टालिन की बात मानती है, अगर उतनी सीटों पर आती है जितनी पर वो जीतती है। अमिताभ, आपको रोक रही हूं, उस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता नलिन कोहली इस वक्त हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नलिन कोहली जी, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में अकेले वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, इंडी गठबंधन के लिए कैसे देख रहे हैं ममता के इस फैसले को? इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, जैसे अमिताभ जी अभी बता रहे थे, हर राज्य में जो परिस्थिति है
और उसके क्या राजनीतिक का परिणाम हो सकते हैं उसकी तरफ संकेत कर रहे थे। ये इंडी अलायंस ये केवल एक कागजी गठबंधन है। गठबंधन एक गंभीर शब्द है, उसमें स्पष्टता होती है कि नेता कौन है, एजेंडा क्या है, दफ्तर क्या है, निशान चिन्ह क्या है। केवल राजनीतिक दल के नेता कभी चाय पे मिले वो गठबंधन नहीं होता, वो मुलाकात होती है। और गठबंधन नाम की चीज बनी नहीं। अब जो ममता जी ने आज कहा है बड़ी स्पष्टता से कहा है कि भाई गठबंधन नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ना थोड़ी ना गठबंधन। नलिन अमिताभ बोल रहा हूँ, एक सवाल है आपसे। नलिन अमिताभ बोल रहा हूँ, एक सवाल है आपसे। नलिन, ये अभी असम से राहुल गांधी की यात्रा, मुझे लगता है बंगाल भी प्रवेश करेगी, ऐसे में इंटी गठबंधन को मजबूत करने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा झटका है बंगाल घुसने के पहले, क्योंकि ये कहते हैं कि 6 महीने समाजवादी साथ नहीं रह सकते, फिर 6 महीने अलग भी नहीं रह सकते। क्या ये सब मिलने की कोई गुंजाइश बची है इन लोगों के बीच? अमिताभ जी, आपने बहुत स्पष्ट बात, अच्छी बात कही है। राहुल गांधी जी की यात्रा के प्रवेश के पहले ही राहुल गांधी जी को स्पष्ट बताया जा रहा है कि ममता जी क्या समझती है उनके नेतृत्व को लेकर, क्या समझती है कांग्रेस।